22 में भी देगा, 23 में भी देगा, इस तो अभी जो भी इलेक्शन होने वाला है सारे में बीजेपी हारने वाला है। उसमें मेरा गाड़ी में अटैक हुआ, मेरा हेलीकॉप्टर परमिशन दिया नहीं, मेरा हेलीकॉप्टर जो बुकिंग किया हेलीकॉप्टर का परमिशन दिया नहीं डीएम ने। एक्चुअली वो जो गद्दार है ना बीजेपी का, गद्दार का कोई कैरेक्टर नहीं होता। हेलो बंगाल में बीजेपी नहीं रहेगी, इधर बीजेपी का कल्चर नहीं चला। आने वाले 30 अक्टूबर को राज्य के 4 विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। हमारी टीम पहुंची खालदा विधानसभा क्षेत्र में, जहां मौजूद थे पालतू भूमित, उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और नौहाटी के विधायक सुकांतो बोनी, खालदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सुनील सरकार, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन जनरल सेक्रेटरी और टीएमसी कोर कमेटी के मेंबर। इन लोगों ने कहा, होने वाले 4 विधानसभा में हम लोग 4-0 से जीतेंगे और आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में दीदी जीतेंगी और प्रधानमंत्री बनेंगी। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कहा। देखिए, 4 में जो आपका अभी बाई इलेक्शन हो रहा है, 4-0 में हम लोग जीतने वाला है। आपको मालूम है अभी बीजेपी के पास प्रचार करने वाला आदमी नहीं है। जो इसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हेलीकॉप्टर दिल्ली पैसेंजर किया था, पब्लिक ने मान्यता दी, वन मैन एकला लीडर था वो। बीजेपी के अंदर में कोई भी मुख्यमंत्री बाकी नहीं था, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर बाकी नहीं था बंगाल में आने के लिए। बट बंगाल का पब्लिक जो है मामाटी सरकार को, जो मान्यता दी को देकर वोट दिया है, वन साइड वोट दिया है। मान्यता दी देकर वोट दिया, आगामी दिन 24 में भी मान्यता दी को देकर वोट देगा, 22 में भी देगा, 23 में भी देगा। इस तो अभी जो भी इलेक्शन होने वाला है सारे में बीजेपी हारने वाला है, ये हम लोग को उम्मीद है। अभी जो भी सारे विपक्ष वाला जो लीडर इकट्ठा हो गया, उसके मेन लीडर है ममता दी अभिषेक, ये लोग कर रहे हैं। ये लोग आगामी दिन, आपको मालूम है 2 दिन बाद में गोवा जाने वाला है मुख्यमंत्री, गोवा जाकर मीटिंग करेगा, मिसाइल करेगा। अभी आपको मालूम नहीं त्रिपुरा में जिस तरीके से अटैक हो रहा है, त्रिपुरा में अटैक अभिषेक का ऊपर कितना बार अटैक हुआ, हम लोग के जो भी लीडर किया अरेस्ट कराया, मेरा ऊपर में उत्तराखंड में मेरा होटल में 5-स्टार होटल में मेरा सिक्योरिटी पर अटैक हुआ है। इस तरीके से बीजेपी हर जगह अटैक कर रहा है। मेरा को अपने बोलेंगे नहीं, मेरे को 4 बार अटैक हो गया। ये मैं इलेक्शन के बाद जो गया था विजिट में, फेडरेशन का विजिट में, उसमें मेरा गाड़ी में अटैक हुआ, मेरा हेलीकॉप्टर परमिशन दिया नहीं, मेरा हेलीकॉप्टर जो बुकिंग किया हेलीकॉप्टर का परमिशन दिया नहीं डीएम ने। तो बंगाल में जो भी आता है सबको परमिशन देता है, बट बंगाल ऐसा स्टेट है हर आदमी बास कर सकता है, दूसरा स्टेट में नहीं हो सकता। देखिए, परिसर श्रमिक में अभी तक जो हम लोग के पास रिकॉर्ड है 13,65,62,000 सटाई हुआ कोरोना के लिए। वो वर्कर को किसको भी लिया नहीं है। मोदी साहब ने बोला था 2 करोड़ करके पार ईयर में हम इलेक्शन में आपने ईयर नहीं और नौकरी देगा, वो तो नौकरी तो छोड़िए। 15 लाख करके बोला हम देगा सारे पब्लिक को, वो तो छोड़ो। गैस का दाम 1,000 रुपया हो गया, डीजल का दाम 101 रुपया हो गया, पेट्रोल 107 रुपया हो गया, सरसों का तेल 170 रुपया हो गया, मसूर दाल 120 रुपया हो गया। ये जो अभी चल रहा है, ये ममता दी जब जब परिवर्तन आएगा नहीं, ये महामारी सरकार का जो है सरकार जब आएगा देश में, तो उसी टाइम जो भी सामान का जो भाव है कम हो सकता है। अभी का जो कंडीशन है आपको मालूम नहीं है। आप लोगों का मीडिया को सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूंगा, मीडिया जो हाईलाइट किया ये परिसर श्रमिक का किसान आंदोलन में उत्तर यूपी में जो गाड़ी हत्या कर दिया, ये कौन सा कानून है? देश में कोई कानून बोल के चीज़ नहीं है। अमित शाह जो नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। वो लोग जो जाता है कोई उसके अगेंस्ट में आंदोलन नहीं कर सकता। ममता दी के ऊपर कितना अटैक हुआ आप लोग को मालूम है, इलेक्शन में कैसे अटैक हुआ था, एक पाव में इलेक्शन जीता। इस तरह से हर जगह कर रहा है। तो हम लोग का जो नेत्री है ममता दी, डरने वाला नहीं है। हम लोग का सारे सीनियर लीडर है इधर, अपना थोड़ा दिन पहला जिला परिषद पर्थोदा बोला, सुमंदोदा बोला, म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन, ये सारे जो हम लोग का है बाई इलेक्शन में हम लोग 50 का ऊपर इधी क्रॉस कर 4-0 में जीतने वाला है। तृणमूल का हम लोग का त्रिपुरा जीतेगा, हम लोग गोवा जीतेगा, हम लोग का 3 राज्यों में हम लोग जीतने वाला है। 3 राज्यों में अपना गवर्नमेंट बना, तृणमूल का गवर्नमेंट बनने वाला है। इसके लिए वो लोग उत्तर प्रदेश में जो अभी है, उत्तर प्रदेश में हम लोग को सीट मिलने वाला है, उधर भी हम लोग का जीतेगा, कुछ तो कुछ सीट मिलेगा। ये पार्थो साहब जो हम लोग का जिला प्रेसिडेंट इधर का बोला विधायक, ये आदमी कहते हैं 2019 में उसका घर में बम मारा अर्जुन सिंह ने, सारे बीजेपी लीडर के घर में। वो मीटिंग में मैं भी गया था, मालदा से अटक मैं भी गया था, क्या 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 किया था पार्थो, सबको मालूम होने से कैसे अटैक किया था।
वो आप परतो साहब को बोलने से परतो साहब डिटेल बोल सकता है। नहीं तो जो बोलना है वो तो हमारा जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एमपी अभिषेक बंदोपाध्याय वो तो क्लियर कर दिया, उसको बात तो कोई बात हो नहीं सकते ना, वो तो क्लियर कर दिया। एक्चुअली वो जो गद्दार है ना मेदिनीपुर का, गद्दार का कोई कैरेक्टर नहीं होता। हेलो, अगर कैरेक्टर होता तो बाबुल सुप्रियो का माफिक रेजिग्नेशन दे देता। जिसको कैरेक्टर नहीं है, जो लुच्छा है, जिसको कोई बेसिक सेंस नहीं है, जिसको जो निर्लज्ज है, जिसको कोई लाजलज्जा नहीं है, वो तो यही करेगा। झालमुड़ी का इफेक्ट अगर आफ्टर सिक्स ईयर्स होता है तो वो जो मेदिनीपुर का गद्दार है वो तो बहुत कुछ खाया है दीदी को पास से, तो उसका इफेक्ट कब होगा? बंगाल में बीजेपी नहीं रहेगा, इधर बीजेपी का कल्चर नहीं चलेगा। हमारा मार्जिन का बारे में सोचना है, जीत के लिए कोई दुर्भावना हमारा मन में दिमाग में नहीं है। मार्जिन कितना होगा यही टारगेट है, 50,000 के ऊपर जाना चाहिए। हाँ, पब्लिक के ऊपर भरोसा है, ये मामाटी मानुष का गवर्नमेंट है, ये पब्लिक का गवर्नमेंट है, इसलिए पब्लिक ममता बनर्जी का साथ रहेगा। 2024 का तैयारी 2021 में शुरू हो गया दूसरा मई से, जब ममता बनर्जी एक पा में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 17 चीफ मिनिस्टर, 42 कैबिनेट मिनिस्टर उसको खिलाफ में एकाल लड़ रहा है, ये आम आदमी ऑफ इंडिया उसको मालूम हो गया ममता बनर्जी एका काफ़ी है इसको फिनिश करने के लिए पॉलिटिकली।